कार्यक्रम के कार्यक्रम के आयोजक हैं सतमोहल्ला खट्टे आम का चटकारा। कुछ करना जब नमस्कार, गीत गजल और कविता की बेहद खूबसूरत महफिल सतमोहल्ला कवियों की द्वारपाल में मैं विवेक गौरव अपनी सहयोगी सपना वर्मा के साथ अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। बड़ी खुशी की आज हमारे बीच देश के जाने माने रचनाकार बैठे हैं और मैं सपना वर्मा से चाहूंगा कि वो उनका परिचय आपसे करा दें। सपना वर्मा, सबसे पहले मैं सपना आप सभी का सतमोहल्ला कवियों की चौपाल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अब चलते हैं अपने कवियों के पास। मेरी बाई ओर बैठे हैं सबसे प्रथम में देवेश श्रीवास्तव जी, जो बाली बरेली मध्य प्रदेश से हमारे पास आए हैं, और मेरे बिल्कुल करीब बैठे हैं राजेंद्र राजा जी, जो कि दिल्ली से हमारे पास आए हैं, और मेरे बाई ओर बैठे हैं सबसे प्रथम में ओम तिवारी जी, जो कि राजस्थान से यहाँ पधारे हैं, और मेरे बिल्कुल करीब बैठे हैं दीपक गुप्ता जी, जो कि दिल्ली से हमारे पास पधारे हैं। आप सभी का सतमोहल्ला कवियों की चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सपना शुरू करते हैं कार्यक्रम, और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम देवेश श्रीवास्तव दीवाना जिनका उपनाम है उनसे शुरू किया जाए और उनकी गीत गजल हम सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले चार पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा आज के हालात पर कि हर खुशी की आंख में आंसू मिले, एक ही सिक्के के दो पहलू मिले, और जिसने दाना डालकर पकड़ी बटेर, हाँ उसी की जेब से चाकू मिले। ऐसी स्थितियों में कविता जीवन देती है, दर्शन देती है और जीने का आधार देती है। तो ये चलते हैं आपको देवेश श्रीवास्तव दीवाना की तरफ, उनकी कविता जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। अखबार में पढ़ा था कि एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार किया। पहले ये चार पंक्तियां, उसके बाद गजल पे आऊंगा। स्वागत कि हवस की आंधियों का एक दौर ऐसा आएगा, हवस की आंधियों का एक दौर ऐसा आएगा, रिश्ता खून का जहां तहां लगाया जाएगा। बहुत खूब। हवस की आंधियों का एक दौर ऐसा आएगा, रिश्ता खून का जहां तहां लगाया जाएगा, और इस तरह से होगा पर्दा फिर घरों में दोस्तों, इस तरह से होगा पर्दा फिर घरों में दोस्तों,
बेटी को अपने पिता से ही छुपाया जाए। एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। ए खुदा तेरी दुनिया को क्या हो गया, ए खुदा तेरी दुनिया को क्या हो गया, ए खुदा तेरी दुनिया को क्या हो गया, आदमी आदमी से जुदा हो गया, आदमी आदमी से जुदा हो गया। पहला शेर अर्थ है इरशाद, हर नजर सहमी सी हर तरफ खौफ है, हर नजर सहमी सी, हर नजर सहमी सी हर तरफ खौफ है, हर नजर सहमी सी हर तरफ खौफ है, फिर शहर में कहीं हादसा हो गया, शहर में कहीं हादसा हो गया, में कहीं हादसा हो गया। अगला शेर जिसकी लाठी उसी की भैंस मेरे अंदर में, इरशाद, ना ही कानून है ना कोई कायदा, ना ही कानून है ना कोई कायदा, ना ही कानून है ना कोई कायदा, जिस पे तलवार है बादशाह हो गया, बादशाह हो गया। अच्छा देवी, अगला शेर है, क्या है देरो हरम कौन रामो रही, क्या देरो हरम कौन रामो रही, क्या है देरो हरम कौन रामो रही, जिसको भी देखिए वो खुदा, बहुत 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 बहुत, जिसको भी देखिए वो खुदा हो गया। अगला शेर है, यूं तो हर शय में है ऐ खुदा तू मगर, यूं तो हर शय में है, यूं तो हर शय में है ऐ खुदा तू मगर, क्या बात, यूं तो हर शय में है खुदा तू मगर, तुझको पाना कठिन रास्ता हो गया, तुझको पाना कठिन रास्ता हो गया, कठिन रास्ता हो गया। एक बड़ी अजीब कल्पना है, आज का इंसान जद्दोजहद में है, ये अंतिम शेर है इसका, किसकी पूजा करे किसको सजदा करे, किसकी पूजा करें किसको सजदा करे, किसकी पूजा करे किसको सजदा करे, किसकी पूजा करे किसको सजदा करे, ए खुदा तू अगर बेवफा हो गया, खुदा तू अगर बेवफा हो गया, ए खुदा तेरी दुनिया को क्या हो गया, आदमी आदमी से जुदा हो गया। बहुत अच्छा, इन चार पंक्तियों के साथ मैं अपना
के देर तक ना कहीं पर अंधेरा रहा, देर तक ना कहीं पर अंधेरा रहा, ठहर कर कहा कब सवेरा रहा। बहुत खूब, बहुत। देर तक ना कहीं पर अंधेरा रहा और ठहर कर कहा कब सवेरा रहा, बेवफा हम नहीं वक्त है बेवफा, बेवफा हम नहीं वक्त है बेवफा, ना तो मेरा हुआ और न तेरा। बहुत खूब, बहुत खूब देवेश श्रीवास्तव दीवाना साहब, बहुत खूब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आदमी आदमी से जुदा हो गया। मुझे एक शेर याद आ रहा है किसी शायर का कि देखिए क्या से क्या हो गया आदमी, देखिए क्या से क्या हो गया आदमी, बेवफा हो गया बावफा आदमी, राम और रहमान में लफ्ज के फर्क से हो गया आदमी से जुदा। तो बहुत अच्छी गजल कही देवेश श्रीवास्तव दीवाना ने। मैं चाहूंगा आप अगले रचनाकार को बुलाएं। अगले रचनाकार हैं राजेंद्र राजा जी, जो कि दिल्ली से आए हैं और व्यंग कहेंगे कुछ। मैं बता दूं राणा जी आपको इसके व्यंग के बारे में कि राजा जी बहुत ही हास्य व्यंग के मशहूर रचनाकार हैं, देश भर में और देश से बाहर भी उनकी रचनाएं बड़ी सराही गई हैं, अनेक पुस्तकें उनके प्रकाशित हुई हैं और अनेक साल रचना पाठ कर रहे हैं। चलिए आज हम भी कुछ सुनते हैं। राजा जी आपका स्वागत है। कि लोकतंत्र के नाम यहाँ पर कैसी दलदल है, लोकतंत्र के नाम यहाँ पर कैसी दलदल है, और इस दलदल को मिला यहाँ पर किसका संबल है, और संविधान की गीली पलकों ने हमसे पूछा कि चंबल में संसद है या संसद में चंबल है। दोस्तों मेरे सभी को प्रणाम करते हुए कुछ राजनीतिक छोटे छोटे व्यंग आपके जोड़ी में प्रसारित चाहूंगा। सुनिए, एक राजस्थान की पृष्ठभूमि से एक छोटा सा मैंने व्यंग दिया है आपको, दे रहा हूँ क्या बात से। हाँ, उस दिन राजनीति में और भी अधिक प्रदूषण घोला जा रहा था। हाँ, उस दिन राजनीति में और भी अधिक प्रदूषण घोला जा रहा था। एक तथाकथित नेताजी को सिक्कों से तोला जा रहा, एक पलड़े में नेताजी बैठे थे, दूसरे में रखी थी सिक्कों की बोरी, कि तभी अचानक टूट गई तराजू की डोरी। क्या कहने राजा, तभी अचानक टूट गई तराजू की डोरी, नेताजी औंधे मुख गिर पड़े, पत्रकार और फोटोग्राफर लगे हंसने खड़े खड़े, ये देखकर भैया जी को यानी कि नेताजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तराजू वाले को बुलाया और धमकाया, बेवकूफ, ये इतनी पुरानी तराजू कहाँ से मंगाई है जो मेरा एक क्विंटल वजन भी सहन नहीं कर पाया। क्या कहने ये इतनी पुरानी तराजू कहाँ से मंगाई जो मेरा एक क्विंटल वजन भी सहन नहीं कर पाई है। इस तरह सुनते तराजू वाला बोला, हुजूर, यूं तो आपके सामने मुंह खोलना यानी कि सच बोलना सचमुच नादानी है। क्या बात? यूं तो आपके सामने मुंह खोलना यानी कि सच बोलना सचमुच नादानी है, मगर क्या करूं हुजूर, ये कोई साधारण तराजू नहीं, ये तो खानदानी है। क्या कहने? भामा साई के वंशजों की तराजू है जो केवल देश शक्ति को तोलने के काम आती है। गद्दारों का हाथ रखते इसकी डोरी टूटे। बहुत अच्छा। दोस्तों, हमारा 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस, वहाँ से एक छोटा सा जो व्यंग मैं आपको जरूर जोड़ना चाहूंगा, हालांकि मैं अभी चंबल की बात कर चुका हूँ। बहुत उसी पृष्ठभूमि का एक छोटा सा व्यंग देखिए। स्वागत है राजा जी। कि डाकुओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए मैं चंबल के टिहरियों में गया। डाकुओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने चंबल के बीहड़ों में गया, मगर वहां के हालात को देखकर दंग रह गया। मुझे एक तो डाकू नजर नहीं आ रहा था, हर राहगीर निर्भय और स्वतंत्र होकर अपनी राह पर जा रहा था, ना कहीं पर बंदूकों की गोलियों का शोर था, ना कहीं पर घोड़ों की टापों की आवाज, और लग रहा था कि चंबल में भी आ गया है रामराज। तभी मैंने वहां से जाते मुसाफिर को बुलाया और उसके सामने सवाल उठाया कि
क्यों जनाब, इन चंबल के डाकों को क्या हो गया? कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या सभी के सभी पुलिस के आतंक से इतना अधिक घबरा गए हैं? वो बोला, नहीं बाबूजी, वो तो सभी चुनाव जीत का संसद और विधानसभा में आ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। दोस्तों, एक छोटा सा व्यंग और मैं आपको पेश करना चाहूंगा। देखिए, हम कहां की बात करते हैं, राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते मेरी रचनाओं में राजनीति का पुट होता है, इसलिए छोटा सा व्यंग और दी। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। उस दिन, हाँ उस दिन धोबी का लड़का पढ़ा लिखा होने के साथ भी अपने बाप के साथ धोबी घाट पर आया और अपने बाप के काम में हाथ बटाया। जैसे ही उसने एक कुर्ते को धोकर निचोड़ा कि तभी सफेद कुर्ते ने पानी के साथ साथ लाल लाल रंग, सफेद कुर्ते ने पानी के साथ साथ लाल रंग छोड़ा, जिसे देखकर बच्चा घबराया, दौड़ा हुआ अपने बाप के पास आया और बोला, बापू देखिए क्या कमाल हो रहा है, सफेद कुर्ते में से निकला हुआ पानी का रंग लाल हो रहा है, सफेद कुर्ते में से निकला तो पानी का रंग लाल हो रहा है। ये कुर्ता किसी व्यापारी का है या पंसारी का? आखिर उसको पहनने वाला कौन सा अफलातून है? धोबी बोला, बेटे ये भैया जी का कुर्ता है और लाल रंग हमारे लोकतंत्र का खून है। नई नई रचनाएं और नए नए उदाहरण लेकर जो कविताएं लिखते हैं राजेंद्र राजा जी, उसमें एक अनूठापन होता है और वो जिंदगी की सच्चाई को बहुत सहज भाव से कह जाते हैं। ऐसी कविताएं सुनकर निश्चित रूप से हमारी आंखें खुलती हैं और मन के कहीं कोने में जो सोई हुई संवेदना है वो जागती है कि कितनी अच्छी कितनी खूबसूरत रचनाएं इस सतमौला कवियों की चौपाल में है। और सतमौला के बारे में ये कहना चाहूंगा, क्योंकि समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले चाहे चंबल के डाकू हो या भामाशाह के वंशज हो या हमारे राजनेता हो, सतमौला का आनंद सभी लेते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आपने सतमौला का आनंद। नेता जब एक झटका हो जाता है तो अपना विश्वास इस लोकतंत्र से खो जाता है। पर किसी ने छाटा सावरकर को, किसी ने छाटा सावरकर को, किसी ने गांधी दिया और वोटों की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट दिया। बात वो सच्ची करता है, कुछ कहते हैं माथा पच्ची करता है। एक हादसा ऐसा उसके साथ हुआ, सपने में बच्ची कट्टे मीठे सतमौला कच्चे आम के संग। ए कुछ करना जब छाए इसका जादू, हर दिल गुनगुनाए, हाँ सबको लगता प्यारा सतमौला बच्चिया कट्टे कारा। सतमौला कच्चा आम, आम लगे जा रहा कच्चे आम का चटकारा। के बाद एक बार फिर मैं विवेक गौतम सपना वर्मा के साथ अपने सभी दर्शकों का गीत गजल हासिर गन और कविता की बेहद खूबसूरत महफिल सतमौला कवियों की चौपाल में बहुत बड़ा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सपना वर्मा से अनुरोध करता हूं कि अगले रचनाकार को बुलाएं उनकी कविता के साथ, सपना वर्मा। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद अब वक्त हो चला है थोड़ा हंसने हंसाने और गुदगुदाने का। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओम तिवाड़ी जी,
जो भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच पधारे हैं, तो आपका स्वागत है बहुत बहुत सतमोला कवियों की चौपाल में। और जोरदार तालियों से मैं दर्शकों का स्वागत कर रहे हैं। मैं सतमोला कवियों की इस चौपाल पर आज के परिपेक्ष में राजनीतिक स्थिति पर विशेष प्रकाश डालना चाहूंगा। हम कि किसी स्तर से किसी नेता को नहीं तोला जा सकता है, किस तरह की विचित्र स्थितियां आज हमारे सामने है। चार पंक्ति के साथ में मेरी रचना देना चाह रहा हूँ कि संविधान के रचयिता जब एक जाति का हो जाता है, संविधान का रचयिता जब एक जाति का हो जाता है तो अपना विश्वास इस लोकतंत्र से खो जाता है। और किसी ने छांटा सावरकर को किसी ने गांधी छांट लिया और वोटों की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट लिया। इसी परिपेक्ष के अंदर किस तरह नेताओं की स्थिति है, मैं हास्य व्यंग के माध्यम से प्रकाश डालना चाहता हूं कि एक ओपनिंग सेरेमनी पे आए नेताजी के दिमाग तंतु गरगराए, बोले हम भी गीत गाएंगे और ओपनिंग सेरेमनी मनाएंगे। क्या बात, बोले हम भी गीत गाएंगे नेताजी और गीत बोले हम भी गीत गाएंगे ओपनिंग सेरेमनी मनाएंगे। हमने सोचा ये नेता क्या खास गीत गाएगा और गाएगा तो इस फंक्शन का ओपनिंग क्लोजिंग में बदल जाएगा। लेकिन क्या करते, अंडर प्रेशर थे इसलिए सर्वप्रथम नेताजी को माइक पर बुलाया। नेताजी सूखे पत्ते की तरह खरखराते हुए माइक पर आए और आते ही कविता की पंक्ति का पहला आलाप इतने ऊंचे स्वर से फेंका, तभी पड़ोस की गली से गदा रेखा। सबके खड़े हो गए कान, सब हुए बड़े परेशान, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे नेता को सुने या गधे को, क्योंकि दोनों एक ही स्वर में गा रहे थे। नेताजी ने तरेर के हमारी तरफ देखा, हम समझ गए ये हमारी मजबूरी है और गधे को चुप कराना बहुत जरूरी है। हम गधे के पास गए और बोले, हे आदरणीय गधे जी, अब चुप हो जाइएगा और जब नेताजी गाके निमड़ जाए तो सारी रात गाइएगा। ये सुन गधे के उद्गार देखिएगा। इंसानों के बारे में बात करते हैं, गधे के नेता के उद्गार करने के, ये सुन, गधे ने हमें दुलत्ती से मारा, यूं डांटा फटकारा, बोले तू देश का दुश्मन है, गद्दार है, तुझे मुझे डांटने का क्या अधिकार है। देश का दुश्मन है, गद्दार है, तुझे मुझे डांटने का क्या अधिकार है। अरे तुझे पता नहीं लग रहे मैं सांप्रदायिक सद्भाव निभा रहा हूँ और इसीलिए भाई के साथ स्वर से स्वर मिला के गा रहा हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, पता नहीं क्या क्या हमारा, पता नहीं क्या क्या हमारा, पता नहीं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद ओम तिवाड़ी साहब, भीलवाड़ा राजस्थान से, और कितनी अच्छी कविता सुनाई, गधे ने भी सांप्रदायिक सद्भाव निभाया और कितना बढ़िया गाना सुनाया, है ना सपना? और हाँ बिल्कुल, और ऐसे सपने भी कभी कभी सोच जाते हैं, गधे भी गाएं, और सपना से मैं चाहूंगा कि अगले कवि को बुलाएं। हमारे अगले कवि हैं दीपक गुप्ता जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं, तो सुनते हैं दीपक जी को। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दीपक जी को हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक जी के बारे में बता दूं, दीपक जी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कविताएं सुनाते रहे हैं और कई पुरस्कार उन्हें मिले हैं और उनकी कई किताबें छपी हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें दीपक गुप्ता। स्वागत है आप सभी का, कई गाना के रंग देखने को मिले कवि मित्रों के माध्यम से। मैं हास्य व्यंग की कविताएं कहता हूं, लेकिन परिवेश बहुत कुछ लिखने को मजबूर करता है। आइए वर्तमान स्थितियों से शुरू करता हूं, कुछ रंग आपके बीच में देने की कोशिश करता हूं। चार पंक्तियां वर्तमान हालात पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। कुछ कहते हैं बात वो सच्ची करता है, कुछ कहते हैं बात वो सच्ची करता है, कुछ कहते हैं माथा पच्ची करता है। एक हादसा ऐसा उसके साथ हुआ, सपने में भी बच्ची बच्ची। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बताइए हमारे देश में रिश्तों का क्या महत्व है। एक हास्य का कवि उस महत्व को एक कविता के माध्यम से कैसे आप तक पहुंचाता है। एक आदमी ने करके शादी शादी रजिस्टर्ड करा दी, एक आदमी ने करके शादी शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी उस पर मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है, क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली, शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे देश में शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते। दिनों आपने देखा कहीं दीवार पर साईं बाबा का चित्र उभर कर आ जाता है, कहीं पर समुद्र का पानी मीठा हो जाता है, और भी जाने क्या क्या इस तरह की घटनाएं हमें देखने को सुनने को मिलती हैं। बावजूद उसके हमारी मानसिकता कहां तक पहुंची है, एक व्यंग निवेदित करता हूं। मंदिर में सुबह एक आदमी गजब खा गया, शिवलिंग पर बिस्लरी की बोतल से मिनरल जल चढ़ा गया। मंदिर में एक आदमी खा गया, शिवलिंग पर बिस्लरी की बोतल से मिनरल जल चढ़ा गया। इस बात ने पुजारी का ध्यान आकर्षित किया, उसने भक्त से प्रश्न किया, तुमने ये मिनरल जल ही क्यों अर्पित किया? तो करते हुए पुजारी की शंका का निदान, बोला श्रीमान मान लीजिए भगवान हो जाए प्रसन्न, दे रहे दर्शन, बोले मांग वरदान, तो मैं तो मांग ही वरदान में अपनी मनचाही वस्तु, हो सकता उनके कंठ से ही ना निकले तथा वस्तु, क्योंकि अपने देश में जब देवता दूध पी सकते हैं तो संभव है प्रदूषित जल से उनके गले में काउंसिल भी हो सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलते चलते मैं बहुत अच्छा एक गजल आपके बीच में निवेदन करता हूँ। वर्तमान परिवेश से मतला शुरू करता हूँ, आप सबका ध्यान चाहता हूँ। बताओ ऐसे हालात आने लगे हैं, ऐसे हालात आने लगे हैं, चुटकुले भी रुलाने लगे हैं, ऐसे हालात आने लगे हैं, चुटकुले भी रुलाने लगे हैं। ओ एक कविता जमाने की खातिर, एक कविता जमाने की खातिर, हमको कितने जमाने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कितने जमाने लगे, कितने जमाने लगे हैं, जमाने वो होश की बात करने लगा हूँ, होश की बात करने लगा हूँ, आप जब से पिलाने होश की बात करने लगा हूँ, आप जब से पिलाने वो तुमको पाकर लगा जिंदगी में, तुमको पाकर लगा जिंदगी में, हाथ मेरे खजाने, क्या कहने क्या कहने, हाथ मेरे खजाने लगे हैं। और बतौर खास अंतिम शेर प्रस्तुत है, हाथ मेरे खजाने लगे हैं, हो ना जाऊं कहीं बेसहारा, हो ना जाऊं कहीं बेसहारा, मेरे बच्चे कमाने, हो ना जाऊं कहीं बेसहारा, हो ना जाऊं कहीं बेसहारा, मेरे बच्चे कमाने,
कमाने लगे हैं, ऐसे हालात आने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कविता सुनाई, हास्य व्यंग्य टुकड़े बहुत अच्छे सुनाए, बहुत अच्छी गजल भी सुनाई जो काबिले तारीफ। और अब समय हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन एक बात मैं चलते चलते जरूर कहना चाहूंगा कि दीपक गुप्ता ने जो कविता सुनाई थी कि भगवान भोलेनाथ पर अगर बिस्लरी का जल भक्त नहीं चढ़ाएगा तो शायद उनके गले से उनके मुख से तरफात न निकले, लेकिन यहाँ पर अगर आप सतमोला की गोलियां चूसते रहेंगे तो न केवल आपका गला तथास्तु बोलने के लिए दुरुस्त रहेगा बल्कि आपके पेट से भी निकलेगा तथास्तु। तो आप लेते रहे सतमोला का आनंद। सपना समय हो गया है विदा लेने का, तो सतमोला कवियों की चौपाल को यहीं विराम देते हैं और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी कवियों का जिन्होंने हमें इतनी अच्छी कविताएं सुनाई। तो आप सभी का सतमोला कवियों की चौपाल में धन्यवाद। तो आशा अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए कवियों के साथ। अब हमें दीजिए आज्ञा, हम चलते हैं, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। मोला यार मेरे दिल की हार्ड डिस्क के सी ड्राइव में प्यार के वायरस अपना संदूक मान चुके हैं और हम तो मन ही मन तुम्हें अपना मान चुके हैं, तो आओ और समा जाओ मेरे दिल के हम उस घर के जवाई थे, हम उस घर के जवाई थे जहाँ जम के दुनाई हो जाए। आँखों से बातें कर लेता है कोई, आँखों से मुलाकात कर लेता है तो उसके कब होता है जब कोई खामोश रहकर सवाल कर लेता है। खट्टी मीठी जिंदगी में खट्टे मीठे रंग, सतमोला कच्चे आम के संग। ये कुछ करना जब छाए इस पर जादू, हर दिल गुनगुनाए, हर सबको लगता प्यारा, सतमोला कच्चे आम का चटे कारा। सतमोला कच्चा आम, सबको लगे प्यारा कच्चे आम का चटकारा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है खुश जीवन का विज्ञान। दर्शकों, हम सभी को जरूरत होती है घर की और हमारे घर को जरूरत होती है वास्तु की, और वो भी सही वास्तु की। तो घर की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हम आपके सामने ये कार्यक्रम लेकर आए हैं और इस कार्यक्रम में आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं जनप्रिय वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल जी। तो आइए स्वागत करते हैं खुशदीप बंसल जी का, जानकारी लेते हैं आज भी घर की जरूरत के बारे में यानी कि वास्तु के बारे में। खुशदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार।
खुशदीप जी, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी साउथ साउथ वेस्ट जोन के बारे में। क्या है ये जोन, और सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आम लोग कैसे जान सकते हैं अपने घर के बारे में कि उनका जो साउथ साउथ वेस्ट जोन है या कोई और जोन है वो किस तरफ पड़ता है। बहुत सरल है शीतल जी इसको जानना। मैं पहले बताऊंगा कि जोन हम कैसे वर्किंग करें, और फिर मैं बताऊंगा कि जो आज का हमारा जोन है साउथ साउथ वेस्ट, उसका क्या महत्व है और वो जीवन में क्या गवर्न करता है। जो जोन्स हैं वास्तु में वो मूल रूप से एक दिशा का 22.5 डिग्री का फैलाव है। जैसे अगर आप उत्तर दिशा कंपास में देखते हैं, कोई घर का नक्शा आपने बनाया और उसमें आपने कंपास से देखकर उत्तर दिशा मार्क की, तो उस लाइन को, वो जो एक लाइन इंगित कर रही है दिशा को, जब हम उसे 11.25 डिग्री बाईं ओर और 11.25 डिग्री दाईं ओर उसको फैला देते हैं, तो वो जो क्षेत्र है वो एक जोन कहलाता है। और उत्तर दिशा में अगर हमने उसको फैला के 22.5 डिग्री का किया तो वो उत्तर दिशा का यानी नॉर्थ जोन हो गया, और अगर हमने पूर्व दिशा की जो ईस्ट वेस्ट की एक्सिस की लाइन है उसको अगर हमने 11.25 डिग्री अपने एक्सिस से दाएं और बाएं किया तो 22.5 डिग्री का जो जोन है वो एक पूर्व दिशा का जोन बनेगा और एक पश्चिम दिशा का जोन बनेगा जी। इसी प्रकार से ये जो 22.5 डिग्री का डिवीज़न है, 360 डिग्री टोटल जो हैं वो एक सर्कल में होते हैं, जब हम उसकी 16 डिवीजन्स करते हैं तो एक एक 22.5 डिग्री के हमें 16 जोन प्राप्त होते हैं। और आज का जो हमारा जोन है वो है साउथ साउथ वेस्ट जोन, और साउथ वेस्ट दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच का जो 22.5 डिग्री का फैलाव है उसे हम कहते हैं साउथ साउथ वेस्ट जोन, यानी कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम का जोन। और ये जो जोन है ये जीवन में डिस्पोजल अर्थात विसर्जन की जो एक्टिविटी है उसको गवर्न करता है। इसका जो गुणधर्म है, इसका जो प्राकृतिक गुणधर्म है, वो जीवन में विसर्जन योग्य जो चीज़ें हैं, जो विसर्जित करने वाली चीज़ें हैं, जो विसर्जित होने वाली गतिविधियां हैं, उन सभी को गवर्न करता है, चाहे वो शारीरिक तल पर हो, चाहे वो मानसिक तल पे हो, चाहे वो आध्यात्मिक तल पर हो। क्योंकि शरीर के तल पर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में से जो सार है, जो रस है, जो शरीर के लिए उपयोगी उसमें गुणधर्म है भोजन के, उनको शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो बाकी का वेस्टेज है वो शरीर जैसे डिस्पोज ऑफ करता है। वो जो ताकत, जो वो शरीर शास्त्र के अनुसार वो जो वायु उसको विसर्जित करती है, उस वायु को गवर्न करता है साउथ साउथ वेस्ट का ये जोन, ये विसर्जन की जो गतिविधि है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि आप के मन में अलग अलग नए नए विचार आते रहते हैं, उनमें से कुछ विचार आवश्यक होते हैं, कुछ विचार अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक विचारों का विसर्जन होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वही बार बार दिन भर एक विचार दिमाग में घूमता रहता है जी। अगर आप इस क्षण भी अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई विचार आपके दिमाग में लगातार घूम रहा है परंतु उसका आपके जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है जी। आपका लाभ हानि से, आपका संबंधों को बेहतर करने के लिए या किसी प्रकार से उस विचार का कोई सार्थक प्रयोग नहीं है, प्रयोजन नहीं है आपके जीवन में, परंतु वो आपकी जीवन ऊर्जा, आपको, आपकी सत्ता को, आपकी बीइंग को, आपके समय को जरूर नष्ट कर रहा है जी। उस प्रकार के विचार और जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है उसको विसर्जित करने की शक्ति इस जोन में है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जोन है। क्योंकि अगर ये ना हो तो वैसी ही हालत हो जाएगी जैसी शरीर से अगर मल विसर्जित ना हो और व्यक्ति की जो हालत है वो खराब हो जाती है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव और महत्वपूर्ण जोन है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने खुशदीप जी। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके दिमाग में कोई एक बात है जो चलती रहती है, वो चाहते हैं कि वो बात निकल जाए लेकिन वो बात निकलती नहीं है। इसका बड़ा सरल सा उपाय बता दूं जी, क्योंकि फिर दिमाग से बात निकल जाती है जी। और ऐसा है कि अगर आपके मन में कोई ऐसा विचार बार बार आपको तंग करता है जी, तो आप उस विचार को एक कागज पर लिखें। बड़ा सरल सा काम है,
कागज पे लिखे, स्केच पेन से लिख दीजिए और उसको साउथ साउथ वेस्ट के जोन में लगा दीजिए, 3 दिन में ही वो विचार जो है आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। वो याद करने पर भी याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार बहुत काम की बात आप भूल जाते हैं। उसका कारण ये है कि उस बात से संबंधित सामान जो है वो विसर्जन के जोन में रखा हुआ है। अगर पुस्तकें वहां रखी हैं तो पढ़ाई विसर्जित हो जाएगी, अगर अकाउंट्स वहां रखे हैं तो धन की उगाही जो है वो विसर्जित हो जाएगी, अगर आपने वहां पर परफ्यूम रखे हैं तो पता चला कि जब आप तैयार होकर निकल गए गाड़ी में जा रहे हैं तो बीच रास्ते में याद आएगा अरे परफ्यूम तो लगाना भूल ही गए। तो विसर्जन की ये गतिविधियां हैं, उनको समझाने के लिए मैंने 2-4 उदाहरण। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि सबको ठीक तरह से समझ में आ जाए कि आखिर विसर्जन का जोन है क्या और इस विसर्जन से मतलब क्या है, यानी कि दिमाग में वो चीज ना रहना और खो जाना उस चीज का, यही विसर्जन जोन का काम है। सबसे पहले कलर की बात करना चाहूंगी कि इस जोन का कौन सा कलर होता है जो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव डाल सकता है, या फिर कौन सा कलर इस जोन में हमें यूज नहीं करना चाहिए। जी, इस जोन का जो अपना रंग है वो रंग है पीला रंग, यानी कि पृथ्वी तत्व का ये जोन है। और जैसा कि शरीर में हमारे जो मूलाधार चक्र है वो विसर्जन की गतिविधि को गवर्न करता है, कुंडलिनी में जो सबसे पहला चक्र है और उसका भी जो रंग है वो चकोर, पृथ्वी तत्व का चकोर आकार है और रंग जो है वो पीले रंग का है, उसके मध्य में उसको लाल रंग का माना गया है। उसी प्रकार से इस जोन में भी आप अग्नि तत्व, क्योंकि अग्नि पृथ्वी को पैदा करती है, अग्नि तत्व और पीला रंग यानी पृथ्वी तत्व, इन दो तत्वों को ही प्रयोग करेंगे, तीसरा हम नहीं करेंगे। तीसरा जो है वो आकाश का तत्व है तो सफ़ेद रंग उसका बनता है, वो यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आकाश तत्व को यहाँ रख देने से जो आकाश तत्व की गतिविधियाँ हैं वो विसर्जित होनी शुरू हो जाती हैं। तो अग्नि और पृथ्वी, लाल रंग और पीला रंग इस जोन में जो है वो ठीक फल देने वाला है, वही चीज़ें विसर्जित होंगी जिनको होना चाहिए, वो विसर्जित नहीं होंगी जिनको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुशदीप जी, चाहूंगी कि कुछ दर्शकों की समस्या का समाधान जी, कर दिया जाए, क्योंकि दर्शक आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत ही आसान तरीके उन्हें बता देंगे और जल्दी से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये SMS आया है आगरा से विनीत कुमार जी का जी। ये पूछते हैं कि मैंने 5 साल पहले अपने नए फ्लैट में शिफ्ट किया था और उसके बाद से जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे बिजनेस में देनदारियां बढ़ रही हैं और पर्सनल लाइफ में भी परिवार के साथ मेरे रिलेशंस लगातार बिगड़ रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। हमसे पहले जो इस फ्लैट में रहते थे उन्होंने भी अपना कर्जा उतारने के चक्कर में ही इस फ्लैट को बेचा था, क्या ये फ्लैट ही मनहूस है या इसका कोई और उपाय संभव है? विनीत जी, आपने अपने प्रश्न में ही सारी समस्याओं का कारण बता दिया है। आपने कहा कि जब से आप इस फ्लैट में आए हैं तब से कर्जा बढ़ा है और संबंध जो हैं वो विसर्जित हो रहे हैं। तो आपकी जो डोर एंट्रेंस है, आप देखिए, आप पाएंगे कि आपकी डोर एंट्रेंस विसर्जन के जोन में है, वहाँ पर की जो एंट्रेंसेस हैं उनमें एक एंट्रेंस आपके जीवन की वाइटलिटी को हिट करती है, उसको विसर्जित कर देती है, जो जीवन शक्ति है, जो जीवन ऊर्जा है उसको विसर्जित करती है, और एक दूसरी जो दक्षिण के साथ जुड़ी हुई एंट्रेंस है वो एंट्रेंस कर्जा देती है, क्योंकि आप अपने जीवन को, गतिविधियों को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जो करते हैं वो कर्जे के रूप में आते हैं, और वो कर्जे के रूप में आते हैं जो कर्जा आप चुका नहीं पाते, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा जो है वो भी कर्जा देती है, बैंक से वित्तीय सहायता देती है, परंतु वो कर्जा फलित हो जाता है, वो कर्जा आपके जीवन में सभी कर्जों को जो है वो हटा देता है, परंतु ये जो एंट्रेंस है आपके घर की ये और कर्जों को खींचती है और वो आप चुका नहीं पाते हैं। और इसका बहुत ही सरल सा समाधान है, किसी घर को आप मनहूस मत कहिए, ऐसा नहीं है, सभी घर अच्छे हैं, आपको उसको बस ठीक भर करना है। अगर कोई बच्चा, अगर कोई बड़ा बीमार है तो इसका अर्थ नहीं है कि वो मनहूस है, कि उनको स्वास्थ्य देने की, चिकित्सा देने की ज़रूरत है। तो आपके घर में अगर आप एंट्रेंस में एक चीरा लगा के, जैसे ये चौखट है घर की, यहाँ फर्श पर पत्थर कटर से एक कट लगाइए और उसमें एक मेटल की स्ट्रिप यानी ब्रास की स्ट्रिप जी। ब्रास की स्ट्रिप मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो पृथ्वी तत्व से संबंधित होती है जी। तो वो एक स्ट्रिप अगर आप वहाँ लगा देंगे तो जो अनावश्यक खर्चे हैं, जो
आपके लिए लाभकारी जो कर्जा है वो पैदा हो जाएगा, बजाय इसके कि नुकसानदेह कर्जा अट्रैक्ट हो। तो आप इसको अगर बंद कर देंगे तो आपकी कर्जे की समस्या हट जाएगी। पृथ्वी तत्व वहाँ पर आने से, अगर उस दरवाजे का रंग भी आप क्रीम कर दें तो और बेहतर होगा, वो वहाँ पर आने से जो आपके संबंध विसर्जित हो रहे हैं, जो जीवन क्रम जो होना चाहिए वो विसर्जित हो रहा है, तो वो रुक जाएगा और आपको इन सब समस्याओं में बहुत सारी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल कुलदीप जी, आपने एक एपिसोड में कहा भी था कि ये वास्तु जो है वो एक विज्ञान है, और ये बिल्कुल आपकी बातों से पता लग रहा है, क्योंकि आप जो उपाय बता रहे हैं उनमें बिल्कुल एक लॉजिक होता है कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, क्यों ये चीज़ यूज़ करनी है और क्यों नहीं करनी है। तो सचमुच वास्तु एक विज्ञान है, ये हमारे दर्शक भी अच्छी तरह समझ रहे होंगे। एक और सवाल है हिसार से श्वेता जी का, इन्होंने लिखा है कि एक साल पहले हमने वास्तु के अनुसार अपनी किचन साउथ में शिफ्ट करी थी, पर उसके बाद से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच के रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों में कहा सुनी हो जाती है और बेटा भी अपने पिता को पलट कर जवाब देने लग गया है। क्या हमसे कुछ गलती हो गई है, कृपया हमें बताइए। देखिए ऐसा है, जिस प्रकार के लक्षण आप मुझे बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो रसोई है वो दक्षिण या दक्षिण पूर्व में ना होकर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच में, जिसे हम विसर्जन का जोन कह रहे हैं, आज का जो हमारा जोन का विषय है, वहाँ पर आपकी रसोई चली गई है। क्योंकि थोड़ा सा इसका लॉजिक विज्ञान समझेंगे तो आसानी होगी जी। इसमें जो अग्नि तत्व है वो पवित्र कार्य, संबंधों की गर्माहट, एक दूसरे के प्रति जो हार्दिक हृदय की संवेदनाएं होती हैं, उनको ये अग्नि रिप्रेजेंट करती है। और अगर ये अग्नि विसर्जन के जोन में चली गई है, यानी साउथ साउथ वेस्ट के जोन में चली गई है जी। तो सेहत भी नहीं बनेगी, सेहत खराब होगी, जो खाना उस रसोई में बनेगा वो समस्या कारक होगा, जो घर की औरत उस रसोई में काम करेगी उसका स्वास्थ्य गिरना शुरू हो जाएगा जी। और जो संबंधों की गर्माहट है, जो आपसी संबंध में जो स्नेह होना चाहिए वो भी विसर्जित होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो रसोई है वो विसर्जन साउथ साउथ वेस्ट के जोन में आ गई है। पर घबराइए नहीं, अब आपको रसोई नहीं बदलनी होगी। आप यहाँ पर रसोई के नीचे एक पीले रंग की, जिसे हम जैसलमेर स्टोन कहते हैं, येलो जैसलमेर स्टोन, आप ऐसा नोट कर लीजिए, पीले रंग का एक पत्थर चूल्हे के नीचे आपको लगाना है। पहले किचन की स्लैब के ऊपर आप उस स्लैब को रख दीजिए, येलो जैसलमेर स्टोन की स्लैब को चूल्हे के आकार का कटवा के वहाँ रख दीजिए, और उसके ऊपर आप अपना गैस स्टोव जो है, जो चूल्हा है उसको रख दीजिए, और आप देखेंगे कि 15 ही दिन में स्थिति फर्क पड़ जाएगा जी। बहुत ही आसान सा उपाय है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। इस उपाय को करने में खुशदीप जी, एक बात जानना चाहूंगी कि ये जो विसर्जन का जोन है यानी साउथ साउथ ईस्ट जोन है, इसमें क्या पूजा घर बनवाया जा सकता है? साउथ साउथ वेस्ट सॉरी जी। देखिए जो साउथ साउथ वेस्ट का जोन है हमारा, जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि ये विसर्जन का जोन है जी। और पूजा की जो गतिविधि है वो है अपलिफ्टमेंट की। जब आप पूजा किसी भी धर्म की हो, किसी भी विचारधारा से हो, पूजा का मतलब है उस विराट से, उस परम तत्व से जुड़ना। तो विसर्जन के जोन में बैठ के आप जुड़ने की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए पूजा इस स्थान में होना बहुत ही समस्या कारक है। और जब आप उस विराट से जुड़ते हैं, उस परम तत्व से जुड़ते हैं, या आप अपने आत्म तत्व से जुड़ते हैं जो कि उस परम आत्मा का, उस परम विराट का ही एक अंश है, जब उससे जुड़ते हैं तो नए इंसाइट्स मिलते हैं, आपको नए आइडियाज़ आते हैं, आपकी जो बुद्धि, जो विचार, जो आपका विज़न है वो ब्रॉडन होना शुरू हो जाता है। ठीक इसके विपरीत चीज़ें पूजा इस स्थान में होंगी, सोच संकीर्ण हो जाएगी जी। आप ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे, सोच नेगेटिव होती चली जाएगी, हर बात में घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, डर आना शुरू हो जाएगा। तो पूजा तो यहाँ पर कदापि नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहिए तो बिल्कुल भी इस स्थान में, और इसका कोई उपाय भी नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि पूजा रूम यहाँ रख लीजिए और उसका कोई उपाय संभव है? कोई उपाय संभव नहीं है। इसका ठीक वही प्रभाव है जैसा हमने नॉर्थ ईस्ट जोन की चर्चा करते हुए, पूजा जोन की चर्चा करते हुए कहा था कि यहाँ शौचालय का कोई भी समाधान नहीं है, ये शौचालय का स्थान है और यहाँ पूजा होने पर भी कोई समाधान संभव नहीं।
जी, यानी कि उस वॉल पर भी मंदिर नहीं होना चाहिए और उस तरफ कोई पूजा घर तो होना ही नहीं चाहिए। शीतल जी देखिए, जो हमारा पूजा के प्रति कॉन्सेप्ट है, जो हमारी भारतीय परंपरा में जो जो परिपाटी है, जो आधार बना हुआ है आगम ग्रंथों से, हम कहते हैं कि जो देव स्थान है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा, अपने से भी ऊंचा, ताकि हम जो हमसे ऊंची स्टेट ऑफ माइंड के जो प्लेन हैं, जो एनवायरनमेंट है, हमारे थॉट प्रोसेस से आगे के। नमस्कार। हर नजर सहमी सी हर नाते कायदा ना कोई कायदा है खुदा तू मगर तुझको ता हो गया। एक बड़ी अजीब कल्पना हो गया आदमी देर तक ना कहीं पर अंधेरा रहा बेवफा देर हम नहीं वक्त है बेवफा एक उल्टा बदल भी चयन नहीं कर पाई है इस तस्वीर निर्भय और स्वतंत्र होकर अपनी राह पर जा रहा था बुलाया और उसके सामने सवाल उठाया क्यों जनाब तंग से इतना अधिक घबरा गए हैं। वो बोला नहीं बाबूजी जैसे उसने एक कुर्ते को धोकर निचोड़ा पहनने वाला कौन सा अपना तू है किसी तरह से किसी नेता को नहीं तोला। क्यों से शुरू करता हूं, कुछ रंग आपके बीच में देने की कोशिश करता हूं। चारा उसने भक्त से प्रश्न किया तुमने ये मिनरल जल की क्यों अर्पित किया। लाते आने लगे हैं ओ एक कविता आने की खातिर हमें लगा होशिया जिंदगी में आ जाऊं हो न जाऊं सहारा मेरे बच्चे कमाने ऐसे हालात आए। शीतल जी इसको जानना, मैं पहले बताऊंगा कि जोन हम कैसे वर्क। अगर आप उत्तर दिशा कंपास में देखते हैं, ईस्ट वेस्ट की एक्सिस की लाइन है, उसको अगर हमने 11.5 पूर्व दिशा का जोन बनेगा और एक पश्चिम दिशा का जोन बनेगा जी। जोन यानी कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम का जोन। और ये जो से आपने देखा होगा कि आप के मन में अलग अलग नए नए विचार देखेंगे कि कोई विचार आपके दिमाग में लगातार घूम रहा चित करने की शक्ति इस जोन में है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याओं का कारण बता दिया है। आपने कहा कि जब से आप चुका नहीं पाते, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा जो है वो भी कार के लक्षण आप मुझे बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि है वो विसर्जन साउथ साउथ वेस्ट के जोन में आ गई है उसको रख। पर घबराइए नहीं, अब आप देखेंगे कि 15 ही दिन में साउथ साउथ वेस्ट का जोन है हमारा, जैसा हम चर्चा करते आ रहे